इन दिनों रीवा जिले में नशा मुक्त भारत अभियान चलाया जा रहा है, जिसके महिला प्रकोष्ठ प्रभारी डीएसपी नवीन तिवारी को बनाया गया है, जिनके द्वारा स्कूल कॉलेजों में जाकर छात्र छात्राओं से सीधे संवाद किया जा रहा है। इसी कड़ी में इंजीनियरिंग कॉलेज में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें पुलिस अधीक्षक नवनीत भसीन पहुंचे और छात्र छात्राओं से सीधे चर्चा की। हालांकि जिले में नशा मुक्ति के लिए यह जो अभियान चलाया जा रहा है, कितना सार्थक होगा यह तो देखने वाली बात होगी। लेकिन जिस तरह से गली गली मादक पदार्थों की बिक्री हो रही है, उससे नहीं लगता कि मादक पदार्थों की बिक्री और उपयोग पर कमी आएगी, क्योंकि मादक पदार्थों का असली सेवन करने वाले स्कूल कॉलेजों के छात्र नहीं बल्कि काफी मात्रा में अन्य लोग हैं। जब तक पुलिस प्रशासन मादक पदार्थों की विक्रय और सप्लाई पर रोक नहीं लगाती, तब तक मादक पदार्थों का सेवन यूं ही चलता रहेगा। हालांकि प्रशासन की अच्छी पहल है, अगर छात्र छात्राएं जागरूक हो जाएं और अपने आसपास अवैध मादक पदार्थों की हो रही खरीदी बिक्री की सूचना पुलिस को दें और विरोध करें तो रोक लगाई जा सकती है। फिलहाल आइए दिखाते हैं आपको कुछ कार्यक्रम की झलकियां और सुनाते हैं महाविद्यालय के प्राचार्य और पुलिस अधीक्षक नवनीत भसीन ने पूरे अभियान के संबंध में क्या जानकारी दी है। यहाँ पर उनके भी 10 लाख रुपए चले गए थे, तो हम लोग जामतारा से ही पकड़ के लाए थे। तो डॉक्टर साहब ने क्या गलती की थी वो बताएगा। उन्होंने क्लिक किया था जिस वेबसाइट पे HTTPS और HTTP का अंतर जानते हो ना। एस मीन्स सिक्योर। आपको आपसे चर्चा करके काफी महत्वपूर्ण विषय और आपको सरल भाषा में हमने डिस्कस किए और आपसे इंटरेक्शन करके हमको भी अच्छा लगा। थैंक यू वेरी मच। आप लोगों से और भी प्रशंसा करते रहेंगे और एज पुलिस फ्रेंड्स आप लोग हमारी और सोसाइटी की आगे बढ़ के एक्टिव हेल्प करते रहेंगे। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू वेरी मच। कॉलेज में कार्यक्रम किया गया। जी, ये एक्चुअली पुलिस का जो है, जब से SP साहब आए हैं तो इन्होंने बहुत ही ज़बरदस्त अभियान चलाया हुआ है नशा मुक्ति के खिलाफ, क्योंकि ये देखा गया है कि और जिलों की अपेक्षा रीवा जो है नशे के क्षेत्र में काफ़ी आगे हो गया है। युवाओं में जो ये जो अपराध की भावना बढ़ रही है नशे के कारण, तो जैसे कोरेक्स यहाँ पे बड़ा फेमस है कि कोरेक्स है, आयोडेक्स ब्रेड पे लगा के खाते हैं। अभी अभी वो बता रहे थे तिवारी जी के वो जो केक होता है बर्थडे केक, उसमें भी वो नशे की गोलियां मिला करके युवाओं जो अपना बर्थडे के बहाने उसको खा के नशा करते हैं। तो इस तरह की चीज़ें, और जैसे कई कुंटल जैसे डेटा आया है, हम लोग अखबारों में पढ़ते हैं कि गांजा पकड़ा गया, ट्रकों में गांजा आता है रीवा में। तो इस सब के ख़िलाफ़ जो है पुलिस बहुत ही अच्छा काम कर रही है नए पुलिस कप्तान के अंडर में, और लेकिन ये है कि पुलिस हर जगह नहीं पहुंच सकती। ये जिम्मेदारी हमारे हम नागरिकों की है कि हमको कोई जानकारी मिलती है या हमारे परिवार में, जैसा कि मैंने कहा कि मेरे कॉलेज में, मैं पिछले 32 सालों से यहाँ काम कर रहा हूँ, कि ऐसी कोई भी घटना हमारे विद्यार्थी की नहीं आई कि कोई नशे में इन्वॉल्व हो, क्योंकि हमारे बच्चे जो है समाज से काफ़ी ऊपर रहे हैं। तो वो अब जैसा कि SP साहब बोल के गए, वो ब्रांड एम्बेसडर का काम करेंगे, वो शिक्षित करेंगे, जैसे उनके परिवार में अगर कोई नशे से पीड़ित है तो उसको मुक्ति दिलाएंगे, वो एक एम्बेसडर। तो इस तरह से ये जो चेतना है ये बहुत दूर तक जाएगी। तो इस तरह से उन्होंने काफ़ी सराहा हमारे बच्चों को, और हमारे बच्चे काफ़ी मतलब पढ़े लिखे और वो इंजीनियर बनने जा रहे हैं, टेक्नोलॉजी से परिचित हैं। साइबर क्राइम की बात हुई, साइबर क्राइम में हमारे बच्चे ने जो प्रश्न पूछे SP साहब ने, बड़ा बढ़ चढ़ के उन्होंने जवाब दिया, क्योंकि उनको हर चीज़ मालूम है। तो वो जैसे उनके माता पिता मान लीजिए किसी के कम शिक्षित हैं, या उनके परिवार में बुज़ुर्गों को नहीं आता मोबाइल चलाना, तो वो सब चीज़ें साइबर फ्रॉड चूँकि एक बड़ी समस्या बन चुकी है। अब जो बेचारा पेंशनर है उसकी तो ज़िंदगी की कमाई चली गई अगर वो, तो ऐसी शिक्षा हमारे बच्चे जो है आगे आएंगे और ब्रांड एम्बेसडर का काम करेंगे। नाम और पद बताएं। जी, मैं डॉक्टर BK अग्रवाल, इंजीनियरिंग कॉलेज प्राचार्य। तुम जब तक रेडी कर लो। नवरात्रि के शुभ अवसर पर इस अभियान का शुभारंभ किया गया है, जिसमें महिला सुरक्षा के प्रति समाज के विभिन्न वर्गों को जागरूक करने के क्रम में आज इंजीनियरिंग कॉलेज के स्टूडेंट से संवाद का कार्यक्रम रखा गया था। पूरे कार्यक्रम को हमारे DSP महिला प्रकोष्ठ नवीन तिवारी कोऑर्डिनेट कर रहे हैं और प्रत्येक विद्यालय में जाकर बच्चों से सार्थक संवाद कर रहे हैं, महिला सुरक्षा के प्रति उनको जागरूक कर रहे हैं। इस अभियान का नाम चेतना दिया गया है, और आप जैसा कि देख रहे हैं इस बात को हमारी
जो आज हमारी हमने बात रखी विभिन्न वीडियो के माध्यम से, ऑडियो के माध्यम से, उसको युवाओं ने काफ़ी धैर्यपूर्वक देखा, समझा और सराहा है। हमें आशा है कि भविष्य में इन सबका सहयोग हमें महिला सुरक्षा में मिलेगा और इसके अलावा ये लोग भविष्य में भी पुलिस को महत्वपूर्ण सहयोग देकर अच्छे नागरिक की भूमिका निर्वहन करते हैं। नशा को लेकर भी जागरूक किया गया। हमने देखा कि जिस प्रकार युवा में नशा मुक्ति को लेकर विभिन्न स्तर पर प्रयास कर रहे हैं, इस मंच में उसका भी जिक्र किया गया, जिससे कि बच्चे भविष्य अपना अच्छा बनाए, ना कि नशे की गिरफ्त में आके अपना स्वास्थ्य खराब करें। और इनसे सबसे इस बात का आज चर्चा भी हुई कि अपने मित्रों के बीच भी इस बात को रखेंगे, अपने रिश्तेदारों के बीच भी इस बात को रखेंगे और सार्थक संवाद स्थापित करेंगे।